कराइए। मैंने पूर्व की कथाओं में बोला है अटूट संपदा के लिए शुक्रवार का महामृत्युंजय मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इतना उसका प्रभाव है, मंगलवार के दिन विशेष रूप से चढ़ाई गई समी पत्र आरोग्यता दे देती है, रोगों का निवारण कर देती है, संपूर्ण रोगों को समाप्त कर देती है। महादेव के ऊपर मंगलवार को विशेष रूप से समी पत्र, यूँ तो रोज चढ़ता है लेकिन रोग निवारण के लिए समी पत्र मंगलवार को भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाया गया, आरोग्यता मिल जाती है। तो ये ऐसी दिव्यता, ऐसी विशेषता। शनिवार को समीपत्र महादेव के ऊपर संतान प्राप्ति के लिए बहुत आगे, कल मैं रात्रि को धर्म यात्रा में भी बोलता रहा कल की बात कि समी से भगवान महादेव शंभु कितने प्रसन्न होते हैं। तो बातें भले ही छोटी छोटी हैं, इनके प्रभाव अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। मैं जानता हूँ कि तनख्वाह 1-2-3 तारीख में मिलती है और जब 20-18 तारीख आती है तो उस समय तो सब खाली खाली होता है नौकरी करने वाले लोगों के लिए। तो ऐसी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ उधारी भी चलती है। जब आपसे जैसे बने आप तब जमा करते रहिएगा और अपना नामांकन क्रमांक अभी आप ले लें। और मैं तो कहूँगा कि आज का सोमवार भी आपका छूटे नहीं, आज कई अभिषेक होंगे, देर तक कार्यक्रम चलेगा। तो आश्रम के नंबरों पर आप लिख दीजिए और 4 बजे तक यह लिस्ट वृंदावन से यहाँ आ जाएगी। और जो अभी मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, अभिषेक की महिमा 1 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आज पूरा सुन लेना और ये लिख लेना, तो मुझे लगता है कि आप इस श्रावण के महारुद्रा अभिषेक से बिल्कुल भी नहीं रुक पाओगे। आपने कितने अभिषेक किए आपको पता है कि जल से अभिषेक करने की अपने आप में कितनी बड़ी महिमा है। जो पानी से शंकर का अभिषेक किया जाता है, मृत्यु के समय पर उन्हें घुटन नहीं होती, प्राण निकलने में तकलीफ नहीं होती और एक लोटा पानी के लिए वो तड़फते और तरसते नहीं हैं शंकर के ऊपर। मैं तो कहूँगा वैसे भी आप अपनी दिनचर्या में ऐसा बना लीजिए, जैसे सूर्य भगवान को रोज आप अर्घ देते हैं उस प्रकार से एक लोटा पानी महादेव की पिंडी के ऊपर भी रोज चढ़ाइए, क्योंकि जल धारा से प्रिय मृत्यु नहीं बिगड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो देश का बहुत बड़ा अनुष्ठान है ये महाकाल भगवान की धरती पर और संपूर्ण सुविधाओं के साथ में सब बातें आपके बीच में बोल दी गई हैं। अगली बात मैं बता रहा हूं, यदि किसी को असाध्य रोग है, पैरालिसिस है और शरीर को ऐसी कोई दिक्कत है, शरीर का अंग कोई काम नहीं कर रहा, तो जल में कुसा डाल करके कुस, ये 2 चीजों में काम करती है, एक असाध्य रोग को और एक मेमोरी ताकत बढ़ा देती है बच्चों के विद्यार्थियों के लिए। तो ये कुसा बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है असाध्य रोग के लिए। पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी, पोलिया, बहुत ज़्यादा कष्ट है शरीर में, जकड़ने हैं, कष्ट है शरीर में, वेदना है, दर्द है, तो उसके लिए जल में कुसा डालकर भगवान महादेव का अभिषेक करने से इस रोग की निवृत्ति हो जाती है, शांति मिलती है शरीर को, शरीर कष्ट में नहीं होता। नहीं तो बहुत लोग चारपाई से लग जाते हैं, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, बड़ा कष्ट होता है। ये मेरी बात लिख लें आप, मैं बिना प्रमाण को कोई बात करता नहीं हूँ, मेरी बात में गंभीरता होती है और मुझसे लल्लू पंजुओं वाली बात खिलखिला करके हंस करके बात कह दी, ये सब मुझसे बनता नहीं है, बात में गंभीरता होती है। विद्वान लोग हमें प्रोफेसर लोग सुनते हैं, परसों के दिन वाराणसी के कोई प्रोफेसर साहब कथा को सुन रहे थे, कितनी उन्होंने बड़ाई भी की और बहुत बड़े संस्कृत के वो विद्वान हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया, दोनों चीज़ें मिली हैं। मेरा मन गदगद हो गया, कितने पढ़े लिखे लोग जिनके संस्कृत के किताबों में उनका चैप्टर चलता है, वो मुझे कहते हैं आज कौन मूलबद्ध कथा कहता है, आज कौन कथाओं में श्लोक बोलता है, आज कौन कथाओं में ये प्रमाण के साथ बोलता है कि मैं हम ये बात इस ग्रंथ से कह रहे हैं। और वो कहते हैं सनातन धर्म का तुम सौंदर्य हो,
सनातन धर्म का तुम गौरव हो, कभी काशी आओ तो बता देना, एक बार मुलाकात होगी। मन गदगद हो गया, खुश हो गया। मैं ज़्यादा फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ, और मैंने अचानक उन्होंने आश्रम से नंबर लिया था, मन खुश हो गया। तो मैं तो अपने भाग्य की सराहना करता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसी बातें कही जाएं जिसमें हमारा सनातन धर्म सुरक्षित हो, कोई कन्फ्यूज वाली बातें ना हो। भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक किन किन चीज़ों से क्या अपना प्रभाव दिखाता है। 12:58 हो गई हैं, तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जो अभिषेक का विज्ञान बताया जा रहा है, इसको जरूर आप पूरा सुनिएगा। और बीच में जब कोई कीर्तन वगैरह होता है, बीच में एक आध कीर्तन इसलिए करा देते हैं, तब तक आपको आश्रम के नंबरों पर जुड़ करके अपनी सेवाएं, क्योंकि कथा में अनुष्ठान तो चल ही रहा है लेकिन इसमें सेवाओं में जुड़ना वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेवाओं में ना जुड़ोगे तो गौ माता को हरी घास कहाँ से आएगी, उसके लिए चोकर कहाँ से आएगा, ग्वारियों की व्यवस्था कैसे होगी। यार कितने हमारी गौशाला में 87 तो ग्वारियों के इन जो लेबर वगैरह जो वहाँ काम कर रही है, 87 एक दिन में गया उधर, अभी कुछ ही दिनों की बात है, हाँ कुरुक्षेत्र से लौटा था, तो मैंने पूछा कि आप सबके बच्चे कितने हैं, बोलते हैं महाराज जी 100 में 13 कम है। मुझे तो इतनी खुशी हुई, बहा तुलसी वन आश्रम छोटे छोटे बच्चों के लिए भी तू मददगार बन रहा है, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ, और अब के तो मैं बोल के आ गया हूँ कि तुम्हारे बच्चों के ऊपर जितना भी पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो भी खर्चा होगा उसका पूरा व्यय तुलसी वन आश्रम करेगा। तो मैं अपने बच्चों के ऊपर पढ़ाई के ऊपर एक रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, जज्बा है बस, उत्साह है। पर आप सब लोग जुड़े हैं इसलिए यह हो रहा है, आज पूरा देश जुड़ा है। बस ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए, मेरा सौंदर्य मेरा ईमान हो, ईमानदारी के साथ ये सब काम होता रहे तो फिर तो कोई काम रुकने वाला ही नहीं है। आइए, कोसा पानी में डालकर भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक किया जाता है तो असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। जहाँ शरीर में जकड़ने दर्द है, हड्डियाँ दर्द कर रही हैं, पैरालिसिस है, पोलिया है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है, या कहीं फ्रैक्चर हो गया और उसमें बड़ी जोर से दर्द हो रहा है, तो ये कुसा डाल करके जल में, कुसा जानते हैं आप, डाव, उसको पानी में डालकर भगवान शंकर का अभिषेक करने से शरीर के कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। शरीर का दुख, शरीर का दर्द दूर हो जाता है, यह इसका प्रभाव है। और गन्ने के रस से भगवान महादेव का अभिषेक किया जाए तो परदेश में गई दौलत भी वापस आ जाएगी। आप कहते हैं हमारा पैसा मारा गया है, पैसा वापस नहीं आ रहा, कारोबार फेल हो रहा है, धन मार लिया गया और वो वापस नहीं आ रहा है, व्यापार चलता नहीं है, तो शंकर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर अति प्रसन्न होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है गन्ने के रस से। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी के लिए आप गन्ने का रस, प्रदोष के दिन गन्ने का रस आप भगवान के लिए उसको आप महाअभिषेक में लीजिए। और मैं आज बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, यदि मेरी बातों का विश्वास आपने किया है, आप कितने देवताओं को पूजते हैं आप जाने, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा आप महादेव की पूजा घर में करोगे, जीवन निहाल हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है, शंकर को देवता पूजते हैं, दैत्य पूजते हैं, राम पूजते हैं तो रावण भी पूजता है, रावण को भी राम के हाथ से मुक्ति चाहिए, देखो महादेव को वह भी, कौन नहीं पूजता शंकर को, ऋषि पूजते हैं, स्वयं माँ भगवती जगदम्बा नित्य शिवलिंग की पूजा करती है, माँ भगवती जगदम्बा नित्य रुद्राभिषेक करते, कोई तो बात है। यदि यह ना होता तो सदियों से बातें क्यों गाई जा रही थी। शंकर रेडी हो जाते हैं जब कोई एक बार कह देता है हर हर महादेव, लिंग पुराण में लिखा है, जब कोई हर कहता है तो शंकर दौड़ पड़ते हैं, द्वारा हर कहता है महादेव उस जीव को कंठ लगा लेते हैं, और हर हर कह करके जब कोई महादेव बोल देता है भोलेनाथ की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं कि बेटा अब मैं तुझे क्या दूं, मैं तेरा इतना ऋणी हो गया,
इसलिए कथा में मैं कितनी बार हर हर महादेव बुलवाया करता हूं। लिंग पुराण में हर हर महादेव की बड़ी व्याख्या से, और मैंने पूर्व के 18 पुराणों की श्रृंखला में लिंग पुराण सुनाया है, और इस कथा में भी मैं कुछ चर्चा करूंगा उसकी। शिव शिव समान दाता नहीं, विपत बिनार नहार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार। शिव समान दाता नहीं, इसके समान कोई देने वाला ही नहीं, ऐसा संकट। एक बार क्या हुआ, पहले चौपाई एक बुलवाऊंगा, एक बज गया है, क्योंकि इन भक्तों को वहां यूट्यूब पर पहुंचने में टाइम लगता है, और ये चौपाई रोज बोला करें हमारे साथ। आंसू तो से तुम अब ढलानी, अरे तेहर हो दिन जानी, आशुतोषी प्रिय अब डर धानी, आशुतोषी प्रिय अब डर दानी, आरती हर हो दीन जन जानी, आशुतोष तुम अब डर दानी, आरती हर हो दीन जन जानी, आशुतोषी तुम अब डर दानी, आशुतोषी तुम्हें आशुतोषी तुम्हें अब डर दानी, अब डर दानी, अब डर आशुतोषी तुम अब डर दानी, आरती हर हो दीन जन जानी, आशुतोषी तुम अब डर दानी, आरती हर हो दीन जन जानी, आरती हर हो बोलिए। महाकाल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मैं आपको वहीं लेके आ रहा हूं जहां भगवान के महारुद्राभिषेक की चर्चा की जा रही है। सावन का महीना है और एक लोटा पानी शंकर के ऊपर आप भी चढ़ा रहे हैं, तो कुसा पानी में डालकर रात को डाल दीजिए जल में, क्योंकि फिर उसका ज्यादा उसका रस पानी में मिल जाएगा। कुसा पानी का रंग बदलना चाहिए, पता लगे कि इसमें कुसा पड़ी है, उस जल से आप भगवान को स्नान कराते हैं तो असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। गन्ने के रस से घर की गरीबी समाप्त हो जाती है, परदेश में गया हुआ धन वापस आता है, जो बाजार में पैसा मारा जा रहा है उसकी वसूलियती हो जाती है। गन्ने के रस से भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करने का इतना बड़ा प्रभाव है। शहद से भगवान को स्नान कराया जाए तो घर में पैसा टिकता है। कभी कभी ऐसा होता है घर में बहुत कमाई होती है, सब लोग कमाते हैं लेकिन पैसा उबड़ खाबड़ सब ऐसे ही खत्म हो जाता है, जिसको जैसे हाथ में लग जाए वो वैसे ही उड़ा देता है और दुरुपयोग हो जाता है, दुर्गुणों के ऊपर खर्च हो जाता है। आपका पैसा शराब के ऊपर, आपका पैसा जुआ में और उल्टे पुल्टे कर्मों में खर्च ना हो, उसके लिए शहद से भगवान महादेव का रुद्राभिषेक किया जाता है। ये शहद की महिमा, इसलिए तो शहद को पंचामृत में लिया गया।
पांच चीजें अमृत हैं, दूध, दही, घी, शहद और चीनी। भगवान को बहुत ज्यादा पद्म पुराण के अंतर्गत इन पांचों चीजों से देवताओं को निलाने पर व्यक्ति पांच तत्वों को जीत लेता है, अग्नि, आकाश, जल, वायु और धारा, पांचों तत्वों। अग्नि जलाएगी नहीं, उसे पानी डुबाएगा नहीं, उसको वो गूंगा बन करके पैदा नहीं होगा धरती पर, अज्ञानी बन करके नहीं जिएगा। ये प्रभाव है इन सब चीजों के, इसलिए मैं इन सब चीजों में बहुत विश्वास रखता हूं। और मैंने तो ये सब कर करके पाया है, मुझे तो कहीं प्रमाण कर देने की, कहीं से प्रमाण लेने की जरूरत ही क्या है। ये देवताओं के संग जुड़कर उनको पूजकर क्या नहीं हमने प्राप्त किया। एक हमने भगवान की कृपा से मध्य प्रदेश की एक जगह बालाघाट, जो एमपी के लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने इस जिले का नाम सुना होगा, बनवासी इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है उधर, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं बालाघाट के। एक आयोजन करना था, मेरा बोला हुआ आयोजन था, शिवरात्रि पर 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग, ऐसा आयोजन हुआ नहीं था। 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग शिवरात्रि के दिनों में, 11 दिन में 11.25 करोड़ शिवलिंग बनाने का संकल्प था। आयोजन इतना बड़ा था, 3 महीने पहले तो हमने उसका भूमि पूजन किया। आयोजन था 10 फरवरी से और हमने भूमि पूजन किया 2 दिसंबर को, इतना बड़ा आयोजन था। आयोजन इतना बड़ा था कि लाख लोगों के लिए पंडाल बनाया, भंडारा इतना बड़ा था, 125 क्विंटल 250 बोरी 50-50 किलो की 250 बोरी चावल की रोजाना लगती थी, 500 से ज्यादा हलवाई थे, 1500 से ज्यादा लोग परोसने वाले थे। पूरे बालाघाट के हर घर को अतिथि भवन बना दिया गया था। इस आयोजन के संयोजक थे भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री उस समय श्री गौरी शंकर जी बिसेन, वो इसके संयोजक थे और इसके प्रमुख यजमान थे महाराष्ट्र गोंदिया, जो बालाघाट से ज्यादा दूर नहीं है जगह, वो महाराष्ट्र में पड़ती है, श्री कमलेश जी अग्रवाल, माता श्रीमती ज्योति देवी अग्रवाल, यह दोनों इसके प्रमुख यजमान थे और पूरे क्षेत्र का यह कार्यक्रम था। जिस आयोजन में 125 क्विंटल चावल रोज लगता होगा, आटा भी लगता होगा, सब्जी भी लगती होगी और भी चीजें लगती होंगी, संस्कार टीवी पर इस पूरे कार्यक्रम का 11 दिन का प्रसारण था, शायद उस समय आप हमसे जुड़े हों तो आपने फरवरी 2012 में शायद इस आयोजन का दर्शन किया हो। अब 2 दिसंबर को हमने भगवत कृपा से इसका भूमि पूजन कर दिया। 25 लाख रुपए के थाल फैक्ट्री में बनवाए, जहां सिर्फ पिंडी बना बना करके रखनी थी, उसमें 25 लाख रुपए के थाल ऑर्डर दिया दिल्ली फैक्ट्री में और वो बन करके तैयार हुए। अब सोचा ही है जा रहा था कि इतना बड़ा आयोजन है जिसकी कलश यात्रा में ही 25,000 से ज्यादा लोग थे, जो 10 तारीख को इस आयोजन की जो कलश यात्रा निकली थी, इस कलश यात्रा में 25,000 से ज्यादा लोग थे। मुझे बालाघाट क्षेत्र के लोग सुन पा रहे होंगे, मैंने जीवन में भगवत कृपा से बहुत बड़े बड़े आयोजन किए हैं, लेकिन बालाघाट से बड़ा आयोजन अभी तक हो नहीं पाया। सिर्फ टेंट टेंट का खर्चा 125 करोड़ रुपए का था, खाली टेंट, अकेला टेंट भोपाल का था, टेंट एक सरदार जी का था, उनको 3 महीने लगे थे इसको बनाने में और 1.5 महीना लगा था उनको खाली करने में, इतना बड़ा आयोजन। तो हम बैठ करके सोच रहे थे कि इतना बड़ा आयोजन ये होगा कैसे। तो मैंने किसी महात्मा को फोन किया वहीं से बालाघाट से,
मैंने कहा कि आज हमने भूमि पूजन किया है और ये इतना बड़ा आयोजन है, बंगाली लोग कलकत्ता से आए, बड़ी बड़ी शंकर जी की महामृत्युंजय भगवान की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, 54 फीट ऊंचाई पर थी वो, इतना बड़ा शिवलिंग बनाया हुआ था जो कि लगभग वो कितना रहा होगा 27-28 फीट ऊंचा था, लगभग 3 मंजिल का हो गया, इतना ऊंचा शिवलिंग बनाया गया था उसमें। गणेश जी इतने अद्भुत बने, मैंने एक महात्मा जी को मैंने फोन किया वहां से, जो मुझसे सीनियर मुझसे श्रेष्ठ हैं, ज्यादा जानकारी रखते हैं। मैंने कहा मैं बालाघाट से बोल रहा हूँ और आज हमने भूमि पूजन किया है एक आयोजन का आयोजन किया है। मैंने उन्हें कहा कि 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं, 11 दिन का अनुष्ठान है, यानी 1.25 करोड़ शिवलिंग रोज बनेंगे तब यह पूरा हो, 1.25 करोड़ शिवलिंग रोज बने तब यह पूरा हो। कलेजा बड़ा मजबूत था, रिस्क मैंने पूरे जीवन में रिस्क ही ली है, रिस्क के अलावा और जीवन में कुछ रहा नहीं। उन्होंने कहा बेटे तुम्हें थोड़ा विचार के करना चाहिए। मैंने कहा गुरुजी बहुत छोटा सा था तब से तो महादेव का अभिषेक कर रहा हूं, तो ये अभिषेक इतने लंबे समय से किए हैं तो क्या ये महादेव के अनुष्ठान को पूरा नहीं कराएंगे? उन्होंने कहा साबा 3 बार वो मुझे बोले कि तुम ऐसा करो, एक 9 दिन के लिए अखंड रामायण का पाठ रख दो और इसमें चौपाई लगा दो, संपूर्ण प्रभु की कृपा भयु सब काजू और जन्म हमार सुफलवा आजू। उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने कहा इस चौपाई का तुम संपूर्ण लगा दो और 100% यह कार्यक्रम बहुत बढ़िया से बढ़िया होगा। मैंने कहा तो 9 दिन कब से शुरू करें? वो बोले कि 10 तारीख से तुम्हारा कार्यक्रम है, 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक 9 दिन का कर दो। मैंने कहा 9 दिन का क्यों? हम ये अखंड पाठ आज से ही शुरू करते हैं, 2 दिसंबर से। आनन फानन में संदीप शास्त्री उस समय होते थे, आचार्य रामोहन शास्त्री जी उस समय गुरुकुल में भारी व्यस्त थे, लास्ट में इनको बुला लिया था और उसी दिन से वो रामायण का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। मैंने लोगों की ड्यूटी लगाई 1-1 घंटे की और 2 दिसंबर से लेकर के वो अखंड रामायण हमने 10 फरवरी को पूरा किया, कलश यात्रा से पहले। ये चौपाई के साथ में जो रामायण का पाठ हुआ, इतना अद्भुत आयोजन, कितना करोड़ रुपया खर्च उस आयोजन में हुआ, कहां से आया पता ही नहीं लगा, हल्ला बोल आयोजन हुआ। इन सब चीजों पर मैंने विश्वास करना सीखा है। और शिव पिंडी कितनी बनी सुन लो, 1 ही दिन में 3,73,00,000 शिव पिंडी अकेले 1 ही दिन में शिवरात्रि के दिन बनकर के तैयार हुई थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन 2 करोड़ 2.25 करोड़ शिवलिंग रोज ना बनते हों। संकल्प था 11.25 करोड़ का, लेकिन 13.25 करोड़ से ज्यादा 12,83,84,00,000 शिवलिंग 11 दिन में बनकर के तैयार हुए, संकल्प पूरा हुआ। 12,83,84,00,000 था। इतनी भीड़, इतनी पब्लिक, जितना कथा में उतना ही भोजन में, उतना ही निर्माण में, उतना ही बालाघाट भ्रमण में, उतना ही रासलीला में, पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम चल रहा था। तो ये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जब से ये अनुष्ठान हुआ है तब से मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे 13 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का मुझे आशीर्वाद मिला है, उनकी बहुत बड़ी कृपा मिली, बहुत बड़ा विश्वास रखता हूं उसमें। और ये सगरी बातें बनावटी नहीं है, कोई तो बात होगी कि राम रामेश्वर को पूजते हैं, कृष्ण का पूरा खानदान गोपेश्वर की पूजा करता है, कोई तो बात होगी माता अहिल्याबाई अंतिम श्वास तक महादेव महादेव कह के दुनिया छोड़ के जाती है, तो कोई तो बात होगी। आप मेरी बहुत बात मानते हैं, यह भी मान लीजिए स्नान के बाद 1 लोटा पानी महादेव के ऊपर रोज चढ़ाइए, ये हर समस्या का समाधान होगा, घर में रौनक होगी, घर में बहुत ठीक होगा, बहुत बढ़िया होगा, अंत सुधर जाएगा।
आइए मैं कुछ अभिषेक संबंधी बातें आपसे कर रहा हूं। शहद से भगवान शिव को अभिषेक करने से पैसा टिकता है, गलत जगह पर धन खर्च नहीं होता। अगली बार पूरा महीना रामेश्वरम में निकलेगा, अभी से तैयारी करना और वहां पार्थिव शिवलिंग बनेंगे। काफी बड़ा आयोजन होगा और आप सबको आना ही होगा। एक साल पहले से नोटा दे दिया, बिल्कुल सागर की बालू और मिट्टी मिला करके जो पंडिया माता जानकी ने बनाई थी लंका से लौटकर, जब लंका से लौट के आए तो सीता माई ने पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग बनाए। राम को विजय मिली थी, माने कुछ बोल रखा होगा, माताएं बहुत कुछ बोल देती हैं, ये हो जाए तो संकटिया कर देंगी, यह हो जाए तो घंटरिया चढ़ा देंगी, यह हो जाए तो यह कर देंगी, माताएं बहुत कुछ बोल देती हैं। तो अशोक वाटिका में विजय के लिए इस माता ने भी पार्थिव शिवलिंग पूजा बोल रखी थी। तो माता ने वहां आकर के अपने उस बोले गए संकल्प की पूर्ति की रामेश्वरम में, वो पिंडी आज भी है। तो शिव पूजा का तो बड़ा प्रभाव है अपने आप में, ये बात ध्यान में रहेगी। क्या शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से धन का दुरुपयोग नहीं होता, गुंडों को डकैतों को चौथ नहीं देनी पड़ती, पैसा रिश्वत में नहीं जाता, गलत काम में धन का प्रयोग नहीं होता। शहद से भगवान शिव को स्नान अभिषेक कराने की करने की इतनी बड़ी महिमा है। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है, धन्यवाद। और वो शहद मक्खी मधुमक्खी वाला मिल जाए, मध्य प्रदेश में तो बहुत मिल जाता है, हम लोगों के यहाँ नहीं मिल पाता, बाजार में मिलता है चीनी घोल करके, बहुत बड़ा व्यापार है शहद का। ये बाजार का शहद जो आप लेते हैं ये तो डायबिटीज को तैयार कर देगा, और जो असली शहद है उससे कभी डायबिटीज बढ़ती ही नहीं है, वो तो प्राकृतिक है, वो मक्खियों ने तैयार किया है। जो व्यापारी तैयार कर रहे हैं ये ज्यादा ये मत खा पी लेना, ये तो डायबिटीज को बढ़ाता है। हम यहाँ की पूजा में भी शहद बालाघाट से मंगाते हैं, हमारे काका जी हैं वो रमेश अग्रवाल जी, और हमारे लांजी के भैया राजेश अग्रवाल जिन्होंने अभी रामेश्वरम में बहुत बड़ा आयोजन कराया था, वो भी सहयोग कर देते हैं शहद का, उस एरिया में बहुत शहद होता है। तो पूजा में असली ये शहद मिल जावे तो इस शहद का प्रभाव है कि घर में यदि कोई शराबी पनप गया है और सब पैसा को शराब जुआ के ऊपर खर्च करे देता है, बिगड़ा हुआ है बाजारू स्त्रियों के ऊपर खर्च करे देता है, तो लिंग पुराणांतर्गत शहद से भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक करने से पैसे का दुरुपयोग नहीं होता, घर में संपत्ति टिकती है, पैसा रुकता है, ये शहद का प्रभाव है। अगली बात, जिनको अपना मकान नहीं है, अपना भवन नहीं है, किराए से रह रहे हैं, दुकान भी अपनी नहीं है, मकान भी अपना नहीं है, बन नहीं रहा है, प्लॉट भी नहीं लिया जा रहा और तैयारी में कोशिश में लगे हुए हैं, दही से भगवान महादेव का अभिषेक करने से अपना मकान बहुत जल्दी बन जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने दही से अभिषेक कर दिया तो भोलेनाथ बनाने को आ जाए, चल बेटा तेरे लिए मकान बनाने को आ गया हूँ। हाँ, दही से स्नान कराओगे तो धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और मकान बनाने का तुम्हारा मूड बन जाएगा, ये शंकर कृपा कर। मैं दही से भगवान को बहुत निलाता हूँ क्योंकि हमें निर्माण की समय ज्यादा जरूरत पड़ रही है, मैं दही से चुकता नहीं, जब तक ये बच्चे व्यवस्था कर नहीं देते तब तक मैं इंतजार करता रहता हूँ कि दही चाहिए भगवान महादेव की पूजा में,
मैं तो हवन में भी दही डालता हूँ, दही से मैं आहुति डालता हूँ। और आप मुझे ठीक से बारीकी से आप सुन पा रहे हैं तो दधी से भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करने से अपना भवन बन जाता है, अपना मकान बन जाता है, किराए के भवन से छुट्टी मिल जाती है। दधी से इतना बड़ा प्रभाव है। जितनी बार कथाएं आप सुनेंगे उतनी बार नई लगेगी, कितनी भी बार आप सुने ये भी आपका नया सा लगेगा। शंकर की कथा कह रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। महादेव तो अद्भुत है, शंकर का तो क्या कहना है। ऐसे भगवान शिव जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें लिखा है, चैनल वाले भाई साहब थोड़ा ध्यान दे दो, आवाज बढ़ा दो, डीजल उतना ही लगेगा, आवाज बहुत कम है। कितना अच्छा मैसेज लिखा है, कभी मोबाइल कान में ये रही बात शहद की और दही की। दही से भगवान महादेव का अभिषेक करने से मकान निर्माण कार्य नहीं रुकता, निर्माण में अवरोधकता नहीं आएगी। नहीं तो कभी कभी पैसा होने के बाद भी मकान बनता नहीं है, सरकार आके रोक लगा दे, कहीं कोई ऐसी कागज पत्रों में दिक्कत आ जाए और अधूरा काम रह जाए, छूट जाए। तो शंकर वहा महादेव भोलेनाथ क्या तेरी कृपा है, सोफे पर क्या भगत आराम से सो रहे हैं, जय हुआ हा, कहीं मुझे भी ऐसे सोने को मौका मिल जाता क्या। देखो जगाओ ये सोफा भी रो रहा होगा। कथा सुनो कथा। मैंने कभी बोला था आपको, कथा में सोने वाले लोग बनते हैं सांप, बोला था मैंने कभी, जो कथा में बैठकर सोते हैं वो बनते हैं सांप, और सोने वाले को जो देखते रहते हैं जगाते नहीं है वो बनते हैं सपेरा। हल्की सी कोहनी लगाओ और कहो भाई साहब तुम तो सांप बनने वाले हो लेकिन हमें सपेरा तो ना बनाइए। बालन की और आवाज बोलो, बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव। तो ये बात हो गई दही की, दही से स्नान कराइए। अब आपके पास मकान है तो और भी बच्चों के लिए हो जाएगा, बच्चों के लिए हो जाएगा। तो दही से भगवान को उनका महारुद्राभिषेक कीजिए। आपको पता है कि दही कैसे प्रयोग में लेते हैं, नहीं तो सृंगी रुक जाएगी। दही को मथा जाता है, दही को एकदम बिल्कुल एकदम उसमें गुटका ना रहे बिल्कुल भी, उसको एकदम बिल्कुल मथा जाता है दही को एकदम बिल्कुल उसमें। फिर उसमें थोड़ा गंगा जल गुलाब जल डाल लीजिए और फिर उसके द्वारा अभिषेक कीजिए, सृंगी में पार हो जाए, उसको इतना महीन कर लीजिएगा। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ये तो नहीं समझ गए हैं कि बस वो जैसे चीनी चढ़ाई जाती है बस वैसे ही दही चढ़ा दो। नहीं, अभिषेक होता है पूरा घंटा डेढ़ घंटे का, जैसे दूध से अभिषेक होता है ऐसे ही दही से अभिषेक होता है, और ऐसे ही शहद से अभिषेक होता है। सृंगी में ना निकले तो लोटे में छेद कर दो, पूरी धार चलती है जब तक रुद्राष्टाध्याय के 8वें अध्याय पूरे होते हैं तब तक। इसको कहते हैं अभिषेक, उसको कहते हैं स्नान। तो शंकर के अभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। एक बात मैं और आपको बोलूंगा, जो आप देवताओं को नहलाते हैं, आप जल से नहलाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा गंगा जल का प्रभाव है, गंगा जल से नहलाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा दूध का प्रभाव है, आप दूध से नहलाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा दही का प्रभाव है, आप दही से नहलाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव घृत का है, घी का, आप घी से नहलाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव है शहद का,
आप शहद से स्नान कराते हैं उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव है। खांड, खांड जानते हैं, वो चीनी आती है कि दूसरे तरह की बूरे टाइप की, और आप उससे निलाते हैं, फिर पांचों चीजों को मिला करके भगवान को निलाते हैं, उसका प्रभाव उससे 1000 गुना ज्यादा है। पंचामृत लास्ट में पांचों चीज मिला के भगवान को चढ़ाया जाता है, और उसके तत्पश्चात फिर एक बार जल से निलाने के बाद एक कटोरी में आप गंध और चंदन दोनों चीजों को मिला लीजिए, इतना कपूर का टुकड़ा डाल दीजिए, उसको घोर लीजिए, फिर उससे आप भगवान को निलाते हैं, तो जितना अंतर 1 और 10 हजार में है उतना ही अंतर और चीजों से और गंधोदक स्नान को कराने से उतना ही अंतर है उसमें। इसलिए आप कभी मेरे पास नजदीक बैठे, इन बच्चों को पता है कि मैं गंधोदक स्नान से देवताओं को जरूर निलाता हूँ। एक कटोरी में मैं चंदन, ये नहीं कि सब आपको ही बताने के लिए, सब मैं फॉलो करता हूँ, ये सब मैं करता हूँ इसको। कल हम यहाँ अभिषेक कर रहे थे, मेरी एक एक निगाह बारीकी से होती है, आचार्य जी ने ये सब अभिषेक करा दिया, पंचामृत से भी निला दिया, कपड़ा मेरे हाथ में दे दिया पहुँचने के लिए। मुकुंद ने कहा ये गंधोदक स्नान से तो करा दो स्नान, और उसने अपने हाथ से कटोरी उठा करके पकड़ाई। तो इन बच्चों को पता है, सुनते हैं, गंधोदक की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में। इसको कहते हैं करोद्वर्त स्नान, जैसे पंचामृत स्नान है, यह करोद्वत स्नान है, यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो इस समय जो अभिषेक विज्ञान आप सुन रहे हैं, महारुद्राभिषेक की बातें सुन रहे हैं, बड़ी गहराई को छूती हुई बातें हैं, और यही कार्य हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का परिवर्तन कर दे। तो मैंने आपको यह दही से भगवान को महा अभिषेक करने की बात कही है, जो कि अपने मकान दुकान, अपने महल निर्माण के लिए आप जो भी, और मैं उनको जरूर कहूँगा जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, निर्माण का जो काम करते हैं, ठेके लेते हैं, प्राइवेट लेते हैं, सरकारी लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बिल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो मकान बनाते हैं, हाँ, कॉन्ट्रैक्टर तो वो रोड बनाने वाला भी हो सकता है, जो मकान बनाते हैं बड़े बड़े उनको क्या बोलते हैं, अरे बिल्डर कहते हैं, जो फ्लैट बना बना के बेचते हैं क्या बोलते हैं, बिल्डर बोलते हैं ना। तो यही तो पूछ रहा हूं मैं आपको, तो जिनका कुछ ऐसा व्यापार है और वो इस लाइन में व्यापार करते हैं, जिनके द्वारा निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, वरदान है समझ लीजिए उनके लिए। वह भगवान शंकर का जो महारुद्राभिषेक है वो दधि के साथ में, दही से करें, उनको कार्य में मुनाफा होगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, अच्छी चीज लोगों को बना करके देंगे। तो निर्माण कार्य नहीं रुकता, मैं तो कहूँगा आप भी अपना मकान बना रहे हैं और ये बराबर ठीक से बन जाए, अच्छा सा बन जाए, उसके लिए दधि से आप भगवान शंकर का, भगवान शिव का महा अभिषेक कीजिए। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है, धन्यवाद। उसके तत्पश्चात है जो गौ दुग्ध से, गौ माता के दूध से भगवान शिव का, शंकर का अभिषेक करते हैं, इससे वंश वृद्धि बढ़ती है, बेल बढ़ती है वंश। ये दो चीजें ऐसी हैं वंश वृद्धि के लिए, एक है दूध और एक है भस्म। शंकर जी के ऊपर भस्म चढ़ाने की भी बहुत बड़ी महिमा है।